गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपना वो सीक्रेट जो मैं विंटर्स में यूज करती हूँ। आप लोग भी उसी चीज को यूज करके अपनी स्किन को किस तरह से फेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ कॉलेज गोइंग गर्ल्स और बॉयज जो के सन टैन की वजह से परेशान होते हैं, स्किन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान होते हैं, वो लोग इसको यूज करें और अपनी स्किन को बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं। साथ में इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि है ही वाइटनिंग के लिए, अपनी स्किन को अगर वाइट करना चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि अब बस अब हम थक चुके हैं काले रह रह के, तो अब गोरा होने का कोई हमें एक ऐसी चीज़ मिल जाए जो वाकई वर्किंग हो, तो आज की वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी उन लोगों के लिए जो कि अपने कलर को फेयर करना चाहते हैं और अपनी स्किन को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं। उसके साथ साथ मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी इसी तरह की वीडियोस जो कि आपको गोरा करें, साथ साथ आपको पतला करने या फिर अपने बालों को लंबा करने की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मिल सके, तो इसलिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज की वीडियो को। तो गाइज, आज का पहला इंग्रेडिएंट है कर्ड। इसको मैंने इस पहले स्ट्रेन कर लिया था। पहले आपने करना ये है कि मलमल का कपड़ा लेके उसके अंदर आपने दही को ऐड करना है और उसको स्टेन कर लेना है। ये वाटर मैंने उसका निकाल लिया था, आप देख सकते हैं। इसको निकालने के बाद मेरे पास ये टेक्सचर आया है इस तरह की। ये देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की डार्क हो गई है। ये बिल्कुल एक मलाई की तरह का एक हमारे पास पेस्ट मौजूद है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून फुलर्स अर्थ यानी कि मुल्तानी मिट्टी। यह हमारे फेस के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपने एंटी एजिंग का फेस मास्क भी बनाना हो तो उसके लिए ये मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसको डालने से हमारा ये फेस मास्क एक एंटी एजिंग फेस मास्क भी बन जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट हनी। हनी है इसमें हम 2 टेबल स्पून के मुताबिक ऐड करेंगे ताकि ये हमारा जो फेस मास्क है वो लिक्विड शेप में आ जाए। हनी ऐड करने से हमारी स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और मॉइस्चराइजिंग हमारा ये फेस मास्क बन जाएगा। हर तरह की ड्राई स्किन के पर्सन जो होंगे वो फिर इस हनी ऐड होने की वजह से इस फेस मास्क को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको हमारा आज का लास्ट इंग्रेडिएंट जो है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा इस फेस मास्क के लिए वो ऐड करेंगे। तो इसको कर लिया है अब हमने मिक्स। आप ये देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की आई है। अब इसके अंदर हम लास्ट में ऐड करेंगे ये विटामिन ई का कैप्सूल। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा वाइटनिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये विटामिन ई का एक कैप्सूल। इसको ऐड करने के बाद इसको भी हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे और ये हमारा फेस मास्क हो चुका है रेडी। आपने अब इसको लगाना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। इस फेस मास्क को अगर आप डेली रूटीन में भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। एक दिन छोड़ के यूज़ करना चाहते हैं तो आप पे डिपेंडेड है। आपने इसको यूज़ करना है 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ के, जब ये ड्राई हो जाए तो अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, होपफुल कि आप लोगों को ये फेस वाइटनिंग फेस मास्क अच्छा लगा हो। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे मेरे साथ अपने रिजल्ट जो भी आएंगे वो लाजमी शेयर कीजिएगा। ये थी हमारी आज की रेमेडी, होपफुल कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। इस रेमेडी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर ये आप रेमेडी यूज़ करेंगे, अगर आपके फेस पे ऑयल आता है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा, ड्राई है तो ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी। इट्स मीन कि ये हर किस्म की स्किन टाइप का पर्सन ये रेमेडी यूज़ कर सकता है, चाहे वो सेंसिटिव क्यों ना हो। इसके कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो अगर चाहते हैं गोरा होना और अपनी स्किन को कर लेना बिल्कुल फ्रेश तो इस रेमेडी को लाजमी यूज़ कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें कि मैं नेक्स्ट अपनी कौन सी वीडियो बनाऊँ और आप लोग किस तरह की वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जब तक कि मैं अपनी नई वीडियो ना बनाऊँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।